स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का जो यूनिट नंबर 3 है उसका ये टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम करेंगे इसकी कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में हम बांट सकते हैं या ये किस किस तरह का होता है। तो हमने क्या किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो हमारे बिजनेस के अंदर सब कुछ हो रहा है उसके कारण जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के अंदर का नहीं है, ये बिजनेस से बाहर का, ठीक है, एनवायरनमेंट है। ओके, तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ टर्म्स हैं या इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, तो मतलब हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए। ऐसी बिजनेस की पॉलिसीज़ जो बिजनेस के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज होती हैं वो भी बिजनेस को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। फिर है आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिजनेस कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है ये भी उसकी क्या है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। हम चाहे तो इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन मेथड, कि जो हमारा बिजनेस है उसमें हम प्रोडक्शन के कौन से मेथड ले रहे हैं, नए तरीके के, पुराने हैं या कैसे हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजीरियल एटीट्यूड। मैनेजीरियल एटीट्यूड में क्या आता है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका एटीट्यूड किस तरह का है। ठीक है, अगर उनका एटीट्यूड जो वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIS बोला जाता है। MIS का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो आपस में इनके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से करते हैं, उसे हम MIS बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल में आपको बताया था मैंने क्या होता है, जो हमारे बिजनेस से बाहर का होता है एनवायरनमेंट वो होता है। अब इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। पहले हम माइक्रो करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल लेवल, ठीक है, या फिर उसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो स्मॉल होता है, छोटा होता है। दूसरा होता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको ये बड़े लेवल का होता है और ये जनरल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे बिजनेस में चल रहा है, ऑपरेशंस है, और इसको क्या बोला जाता है, मैक्रो को बोला जाता है जनरल। ठीक है, जनरल का मतलब जो सभी के लिए। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला है, देखो मैक्रो में क्या होता है कि ये होता तो बाहर का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ हद तक इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल, इससे थोड़ा जो मैक्रो है उससे थोड़ा स्मॉल लेवल का होता है माइक्रो, तो इस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट आपका कस्टमर्स, कस्टमर क्या करेंगे, बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जो हमारे बिजनेस के कस्टमर हैं वो हमें सीधा अफेक्ट करेंगे। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि जो कस्टमर हैं वो हमारे बने रहे तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे कस्टमर और कहीं ना जाएं। ठीक है, तो इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि उनके अकॉर्डिंग गुड्स बनाएं। सेकंड है सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होने चाहिए आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही बंदे से सारी गुड्स की सप्लाई ले रहे हो या रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हो, नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आपके पास 2-3 होने चाहिए, ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरे से सामान ले तो सके, ऐसा तो ना हो कि हमारा बिजनेस ही बंद हो गया। नेक्स्ट है आपका कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स वो होते हैं जो आपके जैसा ही काम करते हैं और आपको कंपटीशन देते हैं। ठीक है,
तो आपको चाहिए कि क्या होना चाहिए कि आपको अपने कंपटीटर्स की जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनके रूल्स रेगुलेशन का आपको पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको आपका पब्लिक। पब्लिक क्या होती है, ये मेन वो पीपल होते हैं जो आपके गुड्स को परचेज़ करते हैं, ठीक है, और जो आपको सपोर्ट भी करेंगे या फिर आपको वोट डाउन में ले जाएंगे। इस पब्लिक में मीडिया भी आता है और एक जनरल पीपल आते हैं जो लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स कौन से होते हैं, जो आपकी मार्केटिंग का काम करवाते हैं, होलसेलर रिटेलर, ठीक है, ओके। तो ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो आपको इनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। नेक्स्ट आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। ये जनरल एनवायरनमेंट है जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या जितनी भी फर्म है, जितनी भी कंपनीज है, सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये जनरल इसलिए है क्योंकि ये सभी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और बड़े लेवल का भी है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आगे आप एनवायरनमेंट सभी के आगे लगा लेना, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसका मतलब क्या है कि हमारे जो बिजनेस है उस पर इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से, कि अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह कुछ आ रहा है तो हमारी बिजनेस पे उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे ये सोसाइटी में जितने भी चेंज होंगे, ठीक है, और जो सोशल जितने चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है कि जब टेक्निक्स में कोई चेंज आता है तो क्या होता है कि अगर आपके टेक्निक्स में कुछ चेंज आ रहा है तो हो सकता है वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो आपके, या हो सकता है उस वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो आपके लिए, क्योंकि आपके बिज़नेस को वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बिज़नेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल आपको पता ही है, जिधर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो ये बिजनेस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल। लीगल का मतलब है कि यहाँ के जो हमारे लीगली सारे काम कैसे होंगे, अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, और जितने भी कानून हैं या फिर हमारे जो न्यायालय हैं वो किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू।